ये देखिए पहले ये दिखा देती हूँ, जैसे ही डोर ओपन करते हैं तो ये कूलर लगा हुआ है अंदर, और ये तीनों यहाँ हमारे महारथी सो रहे हैं, तीनों तीन यहाँ सोए हैं। खाना हो गया इनका दोपहर का। ये जाली में से इनके लिए हवा आती है, यहाँ का जो छोटा कूलर था वो ख़राब हो गया है, तो अंदर से इनके लिए बंदोबस्त किया है ठंडी हवा का। और ये एक सोया है अभी खाना खा के। यहाँ पर मैंने फ़र्श धोया तो ये थोड़ा ठंडा है ये इलाका, तो ये यहाँ सोया है। और ये देखिए गार्डन में जाम अमरूद जो बोलते हैं वो पके हुए हैं, इसको मैं सोच रही हूँ निकाल लेते हैं इसको, क्योंकि काफ़ी सारे पक्षी लोग खा चुके हैं, इससे क्या इसको खाने से पेट अच्छा रहता है। तो एक दो दिख रहे हैं नज़दीक से देखते हैं। ये देखिए एक ये ऊपर, ये अभी कच्चा है थोड़ा, और ये जो नज़दीक में है दो, ये देखिए पक्षी आ रहे हैं बाजरा खाने के लिए। जो यहाँ पर पॉट है ना इसमें, तो ये अमरूद खाते नहीं है, बस उतर के छोड़ के चले जाते हैं। ये एक ये है पक गया है, हल्का सा नरम हो गया मतलब, तो इसको मैं निकाल लेती हूँ। और एक ये और भी है ऊपर है सारे, ये है एक दिख रहा है ये वाला, और ये एक है, ये देखो पक्षी ने खा लिया। और है ऊपर ऊपर के खाते रहते, जो हमारे हाथ नहीं पहुंचता मैं उनको छोड़ देती हूँ, पक्षियों के लिए लगा के रखा है तो उनको ही खाने देते हैं। यहाँ पर गिलहरी और अनेक प्रकार के पक्षी आते हैं इधर। बाजरा भी इसमें ख़त्म हो गया होगा तो डाल देती हूँ, पानी भी भर दिया है देखो पॉट में, एक पॉट यहाँ है एक ऊपर है, जगह जगह रखते हैं हम लोग, छाया में रखना चाहिए कभी भी पॉट को, पानी के पॉट को। इसमें बाजरा भी कम है अभी, इसको भी भर देती हूँ, क्योंकि पानी के पॉट को छत में रखना तो बोलते हैं लोग, लेकिन क्या करते हैं किसी किसी को तो रख देती, लेकिन तो धूप में तो पानी गर्म हो जाएगा ना, किसी भी बर्तन में रखो तो वो कैसे खाएंगे पिएंगे पक्षी लोग, ये भी तो सोचना चाहिए। सोचो बाजरा है तो डाल देती, दिन भर आते हैं यहाँ पर, और उधर मैदान में भी छिड़क देती हूँ मैं कुछ, छर लेते हैं। मैंने तीन चार बार धनिया जो होता है ना सूखा धनिया उसको सुखाया, और पीसने का टाइम नहीं मिला, फिर वो रखा रहता है पतीले में, ढक के भी रखो तो नरमाहट तो आ ही जाती ना उसमें, तो मैंने उसको भी साफ करना है। एक मटका हमने यहाँ पानी का देखो भर के रखा है, तो इसमें पानी छिड़कने से ये ठंडा बना रहता पानी, इसका फ्रिज का नहीं पीना चाहिए ना, तो इसके लिए अंदर ये देखिए छोटा वाला जो देसी क्या बोलेंगे देसी इसको धनिया, ये यूपी से लाया गया है, यूपी में रिलेटिव रहते हैं तो उन्होंने भेजा था, तो इसको मैं साफ़ कर देती हूँ, और इसको अब मैं आज पीस के पाउडर बना लूँगी। घर में ही ज़्यादा नहीं है और इतना ही है, एक परात ये है और एक ये है, इसको मैंने झटक के इसके थोड़ी लकड़ी जैसे होते वो साफ़ कर लिया। इसको मैं ले आई हूँ किचन में, इसको मैं इसको पीस लूँगी, इसको पॉट में डाल लेंगे और ये मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे, इसमें डाल के। एक पॉट भर के हो गया, और इतना ही और होगा उसको भी मैं ग्राइंड कर लूँगी। देसी धनिया है तो इसको मैं, खुशबू बहुत अच्छी आती है इसकी, घर का पिसा अलग ही बात होती है ना। Thank you.
ये देखिए धनिया पिस चुका है एक बार का, और सेकेंड राउंड दूसरा वाला वो भी पीस लेंगे। तो इसको मैं निकाल देती हूँ, किसी डब्बे में भर के रख देती हूँ। ये देखो बिल्कुल महीन हो गया, इसको छानने की भी ज़रूरत नहीं है। तो इसको अच्छे से सुखा लो तो बहुत जल्दी पीस जाता है और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तो मैं ऐसे ही घर में ही बनाती हूँ। धनिया पाउडर हो गया, और भी मसाले कभी बनाऊँगी तो दिखाऊँगी मैं आपको। ये देखिए यहाँ पर मैं गुड़ की और आम की, गुड़म्बा बोलते हैं यहाँ पर महाराष्ट्र में, और कहीं कहीं इसको लौंजी, आम की लौंजी भी बोलते हैं, तो वही मैं बना रही हूँ टिफ़िन के लिए बना रही हूँ। बड़ी बेटी जा रही है बाहर तो, और ये अपने गांव जा रहे हैं वो लोग, तो वो 2 किलो का चूड़ा भी बना के दो बोला, तो ये लाई हूँ मैं चूड़े का सामान। ये कट करके रखे हैं मैंने यहाँ पर, क्या है सूखा वाला नारियल, और ये हरी मिर्च है 2 किलो में, इसमें से आधी मिर्च बचा लूँगी, ये बहुत ज़्यादा कट ली थी। और यहाँ पर फ्रेश वाला कड़ी पत्ता है, हमारे गार्डन का ही है, इसको भी धो के सुखा के रख लिया है। इसकी पत्तियाँ तोड़ के वो भी मैं तड़के में डालूँगी, बिना प्याज का बनाती हूँ मैं, तो पसंद है सबको इसलिए मैं बना कर देने वाली हूँ। और ये गुड़ की लौंजी भी बनते हुए आ गई है। टिफिन में क्या गर्मी का समय है तो सब्जियाँ ख़राब हो जाती है, इसलिए उन्होंने कहा कि मुझे टिफिन में पूड़ी के साथ यही दे दो, यही बनाया है। और अभी मैं इसको चूड़े को भी रेडी कर दूँगी। और ये उस दिन हमारे पापा जी है, ये 90 ईयर्स ओल्ड है, तो इनकी कटिंग करने के लिए बार्बर को बुलाया गया था, क्योंकि ये बहुत टाइम से इन्होंने कटिंग नहीं करवाया था, तो काफ़ी बड़े हो गए थे, और 90 ईयर्स ओल्ड होने की वजह से शॉप तक जाने की उनकी हिम्मत नहीं होती आजकल, गर्मी भी बहुत है यहाँ पर, तो घर पर ही बुला लेते हैं, तो आकर कटिंग करके चला जाता है। और ये मेरी सिस्टर लाई थी कलम, तो इसको भी हम लगा लेंगे, 2-3 फूल की लाए है, इसको पहले हम अच्छे से कट करेंगे और फिर लगाएंगे अच्छी जगह देख कर। तो अभी दूसरे काम घर के करना है, इसलिए मैं इसको रख दूँगी, और बाद में फुर्सत से इसको लगाएंगे, सोचना पड़ेगा कि कहाँ लगाएं, क्योंकि एक इसमें से जो बड़े पत्ते का है वो काफ़ी बड़ा होता है और पर्पल कलर के फूल आते हैं इसमें, तो बड़े पेड़ को तो ऐसी जगह लगाना होगा कि जहाँ बड़ा होकर वो अपना जगह बना सके। कपड़े सुखाते हैं यहाँ तो कपड़ों में भी लग जाते दाग, यहाँ कपड़े सुखाते हैं ना, तो ये बबूल को कट करना है, झाड़ को 2 टहनी तो काटना ही पड़ेगा, पहले भी काट चुके लेकिन अभी और बड़ा हो गया है, बरसात आ रही ना बेमौसम, हरा भरा अच्छा लगता है, गिलहरी वगैरह आती है, लेकिन थोड़ा अंदर आ गया, अंदर का पार्ट काट दूँगी इसको, और जो बाहर का है वो रहने देंगे, क्योंकि चिड़िया गिलहरी सब आती है इसमें, तो अच्छा लगता है यहाँ पे चहचहाने की आवाज़ों से, गिलहरी की चहचहाट, ची ची जो भी आवाज़ निकालती है वो। और ये जो गिलहरी ने घोंसला भी बनाया है इसमें, अभी छोटे छोटे गिलहरी भी निकलेंगे, बाजरा खाने आते हैं, वॉल पर रखती हूँ, तो चिड़िया के लिए घोंसला है उस तरफ वाला, उसको नुकसान नहीं करेंगे। इस तरफ की 2 टहनी जो अंदर आ रही है इसको कट कर दूंगी मैं। ये बेर का झाड़ था, ये भी पूरा ग्रीन नेट में अंदर आने लग गया था, इसको भी कट किया, तो अभी अच्छी तने, अच्छे टहनियाँ निकल रही है ग्रीन।